वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में आप मरते मरते बचे। पिछला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 कब हुआ याद है आपको? बताइए वर्ल्ड कप बताइए क्या हुआ था उसमें, जीते कैसे थे? मरते मरते जिताया किसने था? अश्विन विराट कोहली खुद पागल हो गया था जब उसने पाकिस्तान हमसे T20 में जीत पाए। एशिया कप में आप हारे T20, उससे पहला वाला जो T20 आप जीते थे वो भी आप मरते मरते जीते थे। दो मैच हुए, पहला मैच तुम जीते, दूसरा मैच तुम हारे, फाइनल पाकिस्तान खेली। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ जो विराट कोहली ने तुम्हें बचा लिया, अश्विन ने बचा लिया, उससे पहले हुआ था 152 वाला मैच। तो अगर आप लगाएं पिछले 4 T20 कॉन्टेस्ट में 2 आप जीते हो, 2 पाकिस्तान जीते हो, और जो जीते हो मरते मरते जीते हो, जो जीते हो मरते मरते पाकिस्तान एक डोमिनेटिंग जीता। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और एज यूजुअली पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही ICC की जानिब से एक ही ग्रुप में रखा गया है। जब से T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हुआ है इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर ही बातें चल रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने झलकियों में देख लिया कि किस तरह से इंडियन मीडिया परेशानी का शिकार नजर आ रहा है। अगर हम पिछले चंद मैच की बात करें तो T20 मैचेस में 2 पाकिस्तान और 2 इंडिया जीता है और इंडिया जो 2 मैच जीता है वो भी बहुत ही मुश्किल से जीता है, यानी कुल मिलाकर अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान से खेलते हुए डर रहा है। अभी हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे और सुशांत मेहता की बातें सुनेंगे कि वो इसको लेकर क्या गुफ्तगु कर रहा है, मगर मुकम्मल वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल की घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रुप दिखा देते हैं आपको ज्यादा समय ना जाया करते हुए। ग्रुप ए के अंदर है इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, USA। ग्रुप बी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमन। ग्रुप सी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान है, युगांडा आ गई है और PNG है। और ग्रुप डी के अंदर है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और किसी की फेवरेट टीम नेपाल। हम बात करेंगे जिस ग्रुप में हमारी टीम है, यानी कि ग्रुप ए, इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, USA। मैं आपको बता दूं 5 ग्रुप्स में से इन सभी टीमों के एक दूसरे के साथ मैच होंगे। ग्रुप ए में से इंडिया का मैच पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, USA के साथ होगा। हर ग्रुप की टॉप की 2 टीम्स आगे सुपर 8 में जाएंगी। मैं इसको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और फिर पाकिस्तान हमारे ग्रुप में से बी फिनिश करेगा, आगे आगे एक्सट्रे एग्जांपल दे रहा हूं। फिर पाकिस्तान 2 पे फिनिश किया ग्रुप ए में, ठीक है, और आ गया टॉप 4 में। अब अगर उसके ग्रुप के अंदर आ गया लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आ गया साथ में अफगानिस्तान, बी पे फिनिश कर गया, और आ गया सी में से बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साथ में एक तगड़ी टीम तो वो ऊपर आ जाएगा, टॉप 4 में आ जाएगा ना 4 में से। अगर वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया ऐसी टीम्स होती तो मुश्किल था, फिर ऊपर आके एक ही दिन आप हरा के आगे जा सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सारी टीम्स को सारी टीम के साथ खेलना चाहिए। खैर अब जो है वो है, आगे चलते हैं। यही है जो है, बट यही भाई आपके ग्रुप से इसमें अगर देखा जाए काफी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक से जाएगा, अगले से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान में वेस्ट इंडीज को आगे रख रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने घर पे सब मैच करेगा, घर पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, शायद श्रीलंका, बांग्लादेश अगर उनका मूड हुआ खेलने का श्रीलंका वालों का आगे आ जाएंगे, वरना उनका मन आजकल कर रहा नहीं होता। इंडिया के मैचेस देख लें, पहला मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड 5 June को, फिर 9 June को संडे होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 12 June इंडिया USA, 15 June इंडिया वर्सेस कनाडा। मतलब इंडिया के लिए तो एक तरह से रिहर्सल चल रही होगी क्योंकि पाकिस्तान हमसे T20 में जीत पाए। भाई पिछला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 कब हुआ याद है आपको? बताइए वर्ल्ड कप बताइए क्या हुआ था उसमें? भाई विराट कोहली 82 कैसे जीते थे आप? मरते मरते जीते कैसे थे? मरते मरते जिताया किसने था? अश्विन मरते अश्विन आप मरते मरते बचे और इंग्लैंड के सामने आपका क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं। सेमीफाइनल में आपके महान कप्तान भारत रत्न श्री श्री रोहित शर्मा 28/27, श्री श्री KL राहुल, श्री श्री सूर्य कुमार यादव बॉलर्स ने मिला, और उसके बाद बॉलर्स कोई लेजेंडरी कुछ नहीं, शमी भाई, अर्शदीप को आपने पहले 10 ओवर में 1 ओवर दिया, भूवी ग्रेट स्विंकिंग, माइस भूवी था ना, ऑफ कोर्स भूवी यस चपेरे फ्रॉम बटलर, ठीक है वहां भारे। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आयरलैंड में मैच, ऑस्ट्रेलिया आप हारे, एशिया कप में आप हारे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में आप जीते मरते मरते, एशिया कप में आप हारे,
T20 उससे पहला वाला जो T20 आप जीते थे वो भी आप मरते मरते जीते थे, 150 रन नहीं था उस टाइम। हार्दिक पांड्या ने जो बाद में यूं यूं कर रहा था, जो हार्दिक पांड्या बड़ी अपनी गर्दने यूं यूं नवाज लास्ट ओवर यही हो गया था उस दिन आपका, उससे पहले का मैच याद है आपको T20 का, एशिया कप से पहले जो हमारा आखिरी मैच, एशिया कप में दो मैच हुए, पहला मैच तुम जीते, दूसरा मैच तुम हारे, फाइनल पाकिस्तान खेली, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ जो विराट कोहली ने तुम्हें बचा लिया, अश्विन ने बचा लिया, उससे पहले कब हुआ था T20 इंडिया में, जिस एक चीज का पाकिस्तान इतिहास, जी बिल्कुल, 152 उससे पहले हुआ था, 152 वाला मैच। तो अगर आप लगाएं पिछले 4 T20 कॉन्टेस्ट में दो आप जीते हो, दो पाकिस्तान जीते हो, और जो जीते हो मरते मरते जीते हो, जो जीते हो मरते 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 पाकिस्तान ने डोमिनेटिंगली जीता, और जो पाकिस्तान ने जीता था मैच 152 वाला वन साइडेड, लेकिन हाँ जो पाकिस्तान भी जीता है वो भी नवाज ने बीच में आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल दी थी। तो और एक मैच आपको क्लोज गया था वो सुपर फोर वाला जो बिश्नोई के बॉल पे कैच छोड़ा था, बहुत सुनने को मिला।